भारत आदिवासी का उद्देश्य क्या है? भारत आदिवासी का उद्देश्य जमीन बचाना पहला काम है। जब समय में मोइन सरदार जी को आप समर्थन करना चाहते हैं का ये करिए। और मैं चाहता हूं कि यहां के महासचिव कृष्णा हरदा जी उनको पट्टी से उनको सम्मानित करेंगे, आदिवासी पट्टी से। चलिए, इनका और एक संस्था हो गया, वो है भारत आदिवासी पार्टी। भारत आदिवासी पार्टी बाप है और बेटा है इनका, जोहार ग्रामीण विकास समिति। दोनों बाप बेटा मिलकर के इस विधानसभा को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं चाहता धन्यवाद साथियों, यहाँ के संचालक महोदय और हमारे साथ जो भारत आदिवासी पार्टी के महासचिव हैं कृष्णा हसदा जी, जुगसलाई विधानसभा के युवा तुर्क नेता आदरणीय कार्तिक मुखी जी, और तरमार से चलकर आए हुए हमारे संगठन के साथी श्री राम सिंह मुंडा जी, और बिरसा सेना के इस क्षेत्र के जन नेता और हमेशा आवाज उठाने वाला विकास तिर्की जी, विकास हेमरम जी, और इस क्षेत्र में माधव सिंह जी जो हमारा संस्था को चलाते हैं, व्यवस्था को चलाते हैं, और जितने भी आए हुए पहान पुरोहित मांझी बाबा, पत्रकार बंधु, बहनों भाइयों, और जिसका नाम हम नहीं भी ले पा रहे हैं, उनको भी एक बार जोहार करते हैं। बहनों और भाइयों, हम ज्यादा बात नहीं कहेंगे, हम आपसे एक ही सवाल है कि यहां का जो विधायक संजीव सरदार और मेनका सरदार 23 वर्षों में क्या किया, ये आपको मंथन करना है। इनकी आवाज जब अपनी संस्था से काम करते थे तो इनकी आवाज रांची पर जाती थी, हम लोग सुनते थे इनकी क्या क्या काम कर रहे हैं। और जब हम लोग एक महीना पहले जब देश में भारत आदिवासी पार्टी बना, हमारी समाज की पार्टी बना, अपने लिए बना, तब हम लोग लाए तो इनको रांची से मुलाकात हुई, तब पता चला कि मोइन सरदार एक व्यक्ति है जो अपने क्षेत्र में काम कर रहा है। आज भारत आदिवासी पार्टी को क्यों ज्वाइन करना पड़ा इनको? भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश की आदिवासी पार्टी है, और आपके जैसे समाज के लोग बनाया है इसको। उरा मुंडा हो, संथाल, भील, सब मिल करके इन्होंने भारत आदिवासी पार्टी बनाया है, क्योंकि इनके द्वारा कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता था। पेशा कानून का समाधान नहीं होता था, स्थानीय नियोजन नीति का समाधान नहीं होता था, धर्म कोड का मसला समाधान नहीं होता था, जमीन लूटी जा रही उसकी समाधान नहीं होता था, ड्राइवर सपनान का पैसा कहाँ जाता है उसका पता नहीं चल रहा था। इसके त्रस्त होकर के हम आदिवासी को देश के मालिक बनने के लिए हमें भारत आदिवासी पार्टी बनाया गया है, और ये आपका पार्टी है। आप जैसा चाहते हैं, जैसा इसका उम्मीदवार चाहते हैं, जैसा आप आदिवासी समाज का विकास चाहते हैं, वैसा ही करने के लिए हम लोग भारत आदिवासी पार्टी बनाए हैं, और ये आप समाज की पार्टी है और आपके हितों के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ेगी। मैं ये कहने के लिए आया साथियों कि आखिर इस क्षेत्र की जनता का उम्मीदवार कैसा होगा? कभी आपने संजीव सरदार को सुना है कि विधानसभा में बोलता हूं, कभी देखा है आपने? धर्म कोड के विषय में देखा है या कभी जमीन के मामले में देखा है? और नहीं, इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की
नेत्री थी, विधायक थी, मेनका सरदार को भी हम लोगों ने बोलते हुए नहीं देखा है। तो मैं ये समझता हूं कि आपके क्षेत्र का विधायक ऐसा होना चाहिए जो आज जो आपके बीच बोल रहा है मोइन सरदार, इसको रांची के विधानसभा में हम देखना चाहते हैं और इसकी आवाज बुलंद रांची में होना चाहिए ताकि हम आदिवासियों के समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़े। मैं अपने कमेटी से कहना चाहता हूं, यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, ऐसा ऐसा ही सम्मेलन हर विधानसभा में करें। जुगसलाई में हो गया, और एक बात करिए घाटशिला में करिए, बारागोला में करिए, क्योंकि आने वाला समय भारत आदिवासी पार्टी का है, क्योंकि 6 महीना की पार्टी है और जो लोकसभा में हमारा नेता राजकुमार रोत वो आदिवासी की बात करता है, जय जोहार का नारा लगाता है देश में, आदिवासी धर्म कोड की बात करता है, 5वीं अनुसूची की बात करता है, पेशा कानून की बात करता है, लेकिन कभी आपने सुना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कभी देश के सदन में बोलता हो? कभी कांग्रेस पार्टी का आपने देखा है? कभी बीजेपी का बेटा को देखा, किसी विधायक को देखा है? नहीं देखा है। इसलिए देश के जो है आदिवासी का पैमाना है, आदिवासी लोग हम लोग कई वर्ष हम लोग मोहनजोदड़ो से चले थे, कोई हम लोग रांची के क्षेत्र में आ गए, कोई कोटा के क्षेत्र में आ गए, तो अभी बहुत बढ़िया वक्त है कि भारत आदिवासी की पार्टी के साथ जिस तरह हम लोग माला में सजोए हुए हैं, पूरे देश के आदिवासी एक साथ भारत आदिवासी पार्टी के साथ मिलकर के एक माला के तहत एकताबद्ध तरीके के लिए आपके बीच भारत आदिवासी पार्टी आया है और राजनीतिक क्रांति करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो मैं साथियों, सबसे पहली बात जब हम 23 वर्षों में हम विकास के पैमाने की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा कोई काम ही नहीं हुआ है, न ग्राम सभा की शक्ति बहाल हुआ, पेशा कानून जो हमारे 29 अधिकार दिए गए हैं जो ठीका पट्टा गांव में होगा, जमीन की समस्या गांव में समाधान होगा, यदि शराब बिक्री हो बंद करना है तो ग्राम में होगा, छोटे मोटे टेंडर ग्राम में होगा और बालू का ठीका भी ग्राम में होगा, लेकिन पेशा कानून झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को लागू नहीं किया है। और भारत आदिवासी पार्टी के बीच जो भी उम्मीदवार को जितवाइएगा, जो हमारे बीच जो कैंडिडेट के रूप में आ रहे हैं, इनके प्रस्ताव को हम केंद्र में भेजेंगे कि वोट का कलर का बहुत बढ़िया है, मोइन सरदार जनता के बीच रहता है, सामाजिक संगठन के माध्यम से आगे बढ़ाता है, इनके प्रस्ताव को ऊपर रखूंगा ताकि इनको आने वाला विधानसभा में टिकट मिलने के लिए इनको दिक्कत नहीं होगा। और मैं कहना चाहता हूं इनको इस क्षेत्र में जो है मुंडा समाज के भी लोग हैं, संथाल समाज के लोग भी हैं, दलित भी होंगे और गैर आदिवासी भी होंगे, तो भारत आदिवासी पार्टी का उद्देश्य आदिवासी को लेकर चलना है, दलित को भी लेकर चलना है, लेकिन गैर आदिवासी भी चलेंगे, लेकिन मेरे विचारों से लेस हो, मेरे आदिवासी का उसको पहचान हो, हमारे आदिवासी सिद्धांत को समर्थन करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी जोड़ के काम करिए ताकि आप इस जो है विधानसभा में आप एक राजा के रूप में डेवलप हुए, क्योंकि ये पार्टी का जो नीति सिद्धांत है समाज तय करती है कि समाज कल हो सकता है 1 महीने के अंदर कोई और सरदार आ जाए टिकट मांगने के लिए, हो सकता है संथाल समाज में आ जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके बीच जो है विवेचना करना होगा कि कौन सा व्यक्ति हमारे समाज के बीच जाकर के दुख दर्द में काम करता है और संवैधानिक अधिकार की बात करता है जो आदिवासियों के हित में हो, क्योंकि आज के दिन में धर्म कोड बहुत बड़ा पैमाना है लेकिन धर्म कोड का चर्चा नहीं हो रहा है, देश में आदिवासियों के विकास को लेकर के चर्चा नहीं हो रहा है, झारखंड में भी नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमको ऐसे विधायक की जरूरत है ताकि हम आदिवासियों को आगे बढ़ा सकें। और मैं सबसे पहले तो जब हम लोग ज्वाइन कर रहे थे भारत आदिवासी पार्टी में तो मोइन सरदार भी रांची आया हुआ था, तो हम समझ नहीं पाए कि ये कौन व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने फोन पर कहा और कार्तिक मुखी जी ने हमको इनको मिलाया कि दादा कि हम अपने क्षेत्र में हम महासम्मेलन करने का काम करेंगे, तो हमने ठीक करिए। लेकिन मैं जब आया तो देखा इनको जो रुझान है जनता के बीच काम करने का, भीड़ बढ़ाने का, इसका मतलब कहीं ना कहीं
ये आदिवासियों के बाद काम करने के लिए इच्छा शक्ति है, लेकिन समाज के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। वोट के समय आपके बीच बिकते हैं, हमारे लोग भी बिकते हैं। आप पैसा लीजिए, पैसा लेना खराब नहीं है, क्योंकि वो पैसा ट्राइबल सपनान का पैसा है, वो आपका पैसा है। आप पैसा भी लीजिए, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी कैंडिडेट को वोट दीजिए, क्योंकि सब ठगबाज लोग आएगा और आपको ठगने का काम करेगा, क्योंकि पैसा आपका ट्राइबल सपनान का है। बोल के बोलते हैं कि मेरा पैसा दे रहे हैं, हमारा मेहनत का नहीं, आपकी पैसा कोई घूस के रूप में लेता है और लेकर के वोट दूसरी तरफ दिलवाता है। दूसरी बात कहना चाहते हैं कि आपको विवेचना करना पड़ेगा कि सबसे बड़ा सवाल झारखंड में नौकरी का सवाल है। नौकरी आज तक आदिवासियों को नहीं मिल रहा, मूलवासियों को नहीं मिल रहा है, बाहर के लोगों की नीति बन रही है। रांची में मुंडा समाज का राज था, मदरा मुंडा का राज था, लेकिन आज देखते हैं कि वहां पर जमीन दिक्कू लोग ले रहा है, बिहार के लोग ले रहा है। हम लोग प्रयास करते हैं कि जमीन बचाने के लिए हमेशा मुख्यमंत्री को आवेदन देते हैं जमीन को बचाने के लिए, लेकिन कभी सुनता नहीं है। हम लोगों ने बार बार कहा कि आप टास्क फोर्स बनाइए, और जमीन बचाने का काम करिए, लेकिन नहीं। जहां तक सादा पट्टा का यहां पर भी बातें हो रही है, हमारा रांची में भी सादा पट्टा में जमीन को छीना जा रहा है, और उसको भी वहां के जो सीओ उसको सादा पट्टा में जमीन को दाखिल खारिज कराने का प्रयास करते हैं फर्जी हुक्मनामा बनाने का। तो भारत आदिवासी का उद्देश्य क्या है? भारत आदिवासी का उद्देश्य जमीन बचाना पहला काम है। यदि ये सदन में कोई जाता है तो उसको जमीन बचाना होगा। दूसरी बात क्या मुद्दा है? धर्म कोड, अपनी धर्म संस्कृति कैसे छून रहे, कैसे बचाएं, उसके लिए काम करना है। दूसरी बात, जो हमारा विरासत जो हुए हैं, जितने भी शहीद हुए हैं क्षेत्र में, चाहे गंगा नारायण सिंह हो, सिद्धू कानू हो, चांद भैरव हो, बिरसा मुंडा हो, सभी के सिद्धांतों को विधानसभा में आवाज उठाना है और इसकी विरासत को आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, पेशा कानून लागू क्यों नहीं हो रहा है, समता जजमेंट लागू क्यों नहीं हो रहा है, सभी चीजों को हम लोग विधानसभा के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तो ज्यादा न कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप आने वाला समय में मोइन सरदार जी को आप समर्थन करना चाहते हैं, क्या ये कैंडिडेट बढ़िया रहेगा? हमें तो लगता नहीं रहे, तो बोलिए ये कैंडिडेट बढ़िया रहेगा? तो पोटका का नेता कैसा हो, जोर से बोलिए, पोटका का उम्मीदवार कैसा हो? आदिवासी एकता जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद। हमें उम्मीद है कि आपकी जो समस्या है, समस्या का समाधान विधानसभा में होता है, जमीन पर भी लड़ेगा, विधानसभा में भी लड़ेगा। और मैं इनको कहना चाहता हूँ, किसी को विद्वेष नहीं करना है, गरीब हो गरीब के भी ज्यादा काम करिएगा, और क्योंकि गरीब में ही सॉवरेनिटी जमता है, गरीब में ही प्रजातंत्र जमता है। जब जनता के बीच, गरीब के बीच काम करेंगे, तभी आप राज्य का और देश का शासन व्यवस्था चला सकते हैं, इसीलिए आप बैठ जाइए। तो इसी को लेकर के ज्यादा न कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि आप इंद्रो मुर्मू है, आप मिल करके टोला कमेटी बनाइए, यहाँ के पंचायत कमेटी बनाइए, और इनके अलावे भी यहाँ पर भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। हम चाहते हैं सभी कैंडिडेट को बैठा करके, जो मान लीजिए कि हो सकता है कि मोहन सरदार को नहीं मानता हो और कभी, लेकिन आपको कार्यक्रम उसके कार्य प्रणाली को भी देखना है, और कार्य प्रणाली के साथ कौन कितना जानता है, कौन कितना विधानसभा में बोल सकता है और सामाजिक काम कर सकता है, इसी को विवेचना करते हुए आपको कैंडिडेट को आगे बढ़ाना है। इसलिए मैं शुभकामना देता हूँ कि आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, और प्रोग्राम करने के साथ साथ आपकी इच्छा शक्ति है कि इस तरह का प्रोग्राम करने का। तो इंद्रो मुर्मू से भी हम कहना चाहते हैं कि आप इनकी जो स्क्रूटनी होगी विधायक बनने के लिए, तो यहाँ से भी तीन नाम जाना चाहिए, तीन नाम जाना चाहिए, 1 2 3। वैसा ही आपका हर विधानसभा में आपका तीन नाम का चयन करिए, और इसी प्रकार हर विधानसभा में एक सम्मेलन का आयोजन करिए, ताकि हम लोग को चयन करने में सुविधा हो, क्योंकि ये पार्टी
कैंडिडेट समाज तय करती है। आपने समाज को तय कर दिया तो हम लोग इसको तय करने के लिए कोताही नहीं बरतेंगे, कोशिश करेंगे कि इन्हीं के नाम पर दिल्ली जाएगा, राजस्थान जाएगा, वहां के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रावत इस पर साइन मार करके इनको टिकट देंगे। लेकिन ये बात अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रक्रिया है, प्रक्रिया में जाएगा बनेगा। लेकिन हाँ, जनता जब बोल रही है तो इस पर हम लोग पूर्ण विचार करेंगे, बैठ के विचार करेंगे। हमारा स्क्रूटनी कमेटी में जाएगी और आने वाला समय में हम समझते हैं कि पोर्ट का विधानसभा एक नया उलगुलान होने वाला है और नया व्यक्ति जो है यहाँ विधायक बनने वाला है। और इसी के साथ ज्यादा न कहते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आदिवासी एकता जिंदाबाद। राष्ट्र के सहयोग अमर रहे।